मैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह डीएबी पीजी कॉलेज इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। बीए फोर्थ सेमेस्टर एंसिलरी के विद्यार्थियों के लिए व्याख्यान का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सामाजिक दर्शन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू के अंबावाड़े नामक स्थान में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा सतारा में हुई और सतारा में प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उनको अनेक कष्टों से गुजरना पड़ा और विशेष करके उनको जो है संस्कृत पढ़ने के लिए कोई अध्यापक नहीं मिला और उनको जब प्यास लग जाती फिर पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। इस तरह से बहुत से सामाजिक असंतताओं का सामना उन्हें करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बालक जीवन से ही हार मानने वाले व्यक्ति नहीं थे और उन्होंने मैट्रिकुलेशन की शिक्षा प्राप्त किया। इसके पश्चात वह बॉम्बे में एलिफेस्टन कॉलेज चले गए और वहां ऊंच नीच की भावना, छुआछूत की अस्पृश्यता की भावना नहीं थी और वहां से उन्होंने स्नातक डिग्री प्राप्त किया और तत्पश्चात उनपे नजर बड़ौदा के राजा सयाजी गायकवाड़ की पड़ी, जो बड़े ही मानववादी थे और पढ़ने वाले या टैलेंटेड विद्यार्थियों को आगे ले जाना चाहते थे। उन्होंने स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था की और वह जो है 1915 में अमेरिका कोलंबिया चले गए और कोलंबिया जाकर के उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री प्राप्त किया और उन्होंने फिर तत्पश्चात जो है पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया। उसके पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1923 में लंदन चले गए। वहां से उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डीएससी की डिग्री प्राप्त की, फिर उनको 12 लाख की डिग्री प्राप्त हुई। इस तरह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत लौट आए और भारत लौट करके उन्होंने यह व्यवस्था कायम किया, उनको जो है समाज में ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, विषमता, ऐसे समाज से वो व्यक्ति थे जिसमें वो पैदा भी हुए थे, उनको घोर कष्ट होता था और उसको दूर करने के लिए वो प्रयासरत हुए और इसको जड़ से मिटा देना चाहते थे और विषमता से उनको कष्ट होता था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन का दौर चल रहा था, देश के कई प्रमुख नेता उभर के सामने आए थे जिसमें गांधी जी, नेहरू, पटेल सभी का नाम लिया जा सकता है कि वह देश में राजनीति कर रहे थे और देश को जो है औपनिवेशिक शक्तियों से मुक्त कराना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को सबसे भिड़ा छुआछूत, अस्पृश्यता, असमानता से होती से उसको दूर करने के लिए वो वचनबद्ध हुए और उसके लिए उन्होंने अपने सामाजिक कार्यक्रमों द्वारा इसको दूर करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम 1920 में कोल्हापुर के महाराजा ने जब नागपुर में अस्पृश्यों के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया तो डॉक्टर अंबेडकर ने उसमें अंतर जाति भोज देकर के उस व्यवस्था को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने समता लाने का प्रयास किया और दोनों को एकजुट करने का प्रयास करते हुए डॉक्टर अंबेडकर दिखाई देते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को छुआछूत, विषमता, ऊंच नीच की भावनाओं से कष्ट था। वह उनकी सामाजिक स्थिति को ऊपर ले जाना चाहते थे क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, शिक्षावाद थे, मानवतावादी थे और उन्होंने कई विषयों का ज्ञान प्राप्त किया था, बुद्धिजीवी थे और उनकी स्थिति को सुधारना चाहते थे और समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते थे और इसका असर पड़ता हुआ दिखाई देता क्योंकि गांधी जी के विचारों से उसे समानता नहीं रखते थे क्योंकि गांधी जी सोचते थे कि यह धीरे धीरे समाज में आदर्शवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, समाज धीरे धीरे सुधर जाएगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर तुरंत उसको सुधार करना चाहते थे और उसके लिए प्रयास करने की दिशा में उन्मुक्त हुए और दलितों के विशेष करके वह एक संवाहक थे, उनको आत्मबल देना चाहते थे, दलितों के स्वतंत्रता आत्मबल के लिए उन्होंने एक नारा दिया, उन्होंने शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो का नारा दिया। शिक्षित करने का अर्थ था कि जब तक समाज में शिक्षा नहीं आएगी तब तक वो लोग आगे नहीं जा सकते, हर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक उसमें अग्रणी नेता नहीं आएंगे और उनका संगठन एक प्रमुख था कि जब तक यह समुदाय संगठित नहीं होता तब तक भारत को आगे नहीं ले जा सकता और एक बहुत बड़ी जमात को मुख्यधारा में शामिल नहीं किया जा सकता है और उन्होंने संघर्ष करने का अनवरत संघर्ष करना हुआ क्योंकि वो जानते थे कि अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा, अधिकार लेने से मिलेगा, इसलिए उन्होंने इस तरह का नारा दिया और उन्होंने इस तरह की 1920 में उन्होंने मूक नायक पत्र का प्रकाशन किया और उसमें दलितों की स्थिति पर कई लेख लिखे और कहा कि भारतीय समाज में जो विषमता है उसको दूर होनी चाहिए। 1927 में उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक पत्र मराठी में निकाला और उसमें भी उन्होंने विषमताओं और अन्यायों, खास करके उनकी जो
सामाजिक अवस्था थी उसको दूर करने का प्रयास किया, और इसके बाद उन्होंने पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, क्योंकि वो जानते थे कि शिक्षा एक आम चीज है, बिना शिक्षा के कोई बात नहीं बनेगी, और उन्होंने मुख्य रूप से इसके द्वारा करीब छोटे बड़े 15-20 कॉलेजों की स्थापना किया, जिसमें मिलिंद कॉलेज भी शामिल था, और उन्होंने शैक्षिक रूप से उनको जो है सशक्त बनाने के लिए, जो है सचेष्ट बनाने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था किया। और दूसरी बात थी अम्बेडकर के सामने की वह इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना के, क्योंकि उन्होंने कहा कि बिना सब अधिकार लिए, बिना राजनीतिक जागरण किए यह व्यवस्था हल नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम अपनी बात सरकार के सामने नहीं रखेंगे तब तक इस समाज का जो है जागरण नहीं होगा, और इसके लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी की स्थापना किया, जो विशेष करके राजनीतिक अधिकार और संरक्षण की बात उनके लिए सोचने लगी, और इसी के तहत 1927 में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए, और उसमें विपक्ष के नेता के लिए 15 स्थान भी प्राप्त किया था, विपक्ष के नेता के रूप में अवर्णों के लिए कई अधिकारों की प्राप्ति किया और समाज को चेतना जगाने का काम किया, और 1927 में उन्होंने सामाजिक रूप से जागृत करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन चलाया, जिसमें समाज में चेतना जागे और अस्पृश्यता की भावना जो है, जो डिस्पैरिटी है, उसकी भावना को दूर किया जा सके। 1927 में उन्होंने महाड़ के चौदार तालाब में पानी पीने का कार्यक्रम बनाया, उसमें हजारों कार्यकर्ता स्त्रियों से सम्मिलित हुए, और चौदार तालाब जो एक धार्मिक तालाब था जिसमें अवर्णों को जाना मना था, उसके पानी पीने का कार्यक्रम बनाया, और कई उसमें रोकने के लिए सवर्णों की तरफ से तमाम प्रयास किए, लेकिन जागरण का जो उनका मुख्य मकसद था कि हमारे समाज में जागरण किया जाए, और वहां पे जागरण का प्रयास होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद उन्होंने 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर में, जो कि बड़ा धार्मिक मंदिर था, उसमें प्रवेश करने की बात करते हैं, उसमें इस आंदोलन में उनके 500 स्त्रियों सहित 1500 लोग सम्मिलित हुए, और जब उन्होंने कहा कि नासिक के कालाराम मंदिर में हम प्रवेश करेंगे, तो वहां पे स्थानीय जो रूढ़िवादी थे वह जो उनके खिलाफ हो गए, पुलिस का पहरा बिठा दिया गया, बड़ी जिच हुई, लेकिन उन्होंने उस स्थल पे सभा का आयोजन किया, एक तरह से चेतना संचार किया, ऊंच नीच की भावनाओं को उनको जो है एक मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश तो नहीं कर सके, लेकिन एक जो उनका मुख्य उद्देश्य था वो चीज हो गया। 1920 से 30 के बीच में खासकर के अम्बेडकर सांस्कृतिकरण करते हुए दिखाई देते हैं, और वह इस व्यवस्था की तरफ जागरूक अपने समाज को करना चाहते थे कि समाज में एक चेतना जाग जाए और लोग साथ में चलने लगे, अपने अधिकारों का मांग करने लगे, और ये बात दिख ली। लेकिन 1930 के बाद वह जो है थोड़ा सा उनके जो सामाजिक अवस्था है, उनका दैनिक दिन का जो जीवन है, उसके स्तर को सुधारना डॉक्टर अम्बेडकर चाहते हैं। वो चाहते थे कि हमारे समाज के लोग जो है, जो ऐसा काम नीचे स्तर का काम करते हैं उसको छोड़ दें। उन्होंने कहा कि मांस खाना, किसी जानवर का चमड़ा उतारना या किसी तरह भीख मांगना, ये सब काम जो है हम उसको मुक्त हो जाना चाहिए और इसको छोड़ देना, पहने भीख मांगना छोड़ दें, और विशेष करके वो जो है खान पान के सुधार की बात करने लगे, और उन्होंने इस तरह का जो है निवेदन किया और उनके जात में एक तरह से चेतना जागने का काम हुआ। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आता है, क्योंकि साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार के एक्ट का जो है एक तरह समीक्षा करने आया था, और उसके बाद जो अधिनियम यहां लागू होना था उसके लिए क्या अधिकार है, क्या मांगे, उसका एक तरह से उसमें बात लेने आया था कि इसमें क्या बात हो सकती है, क्या अधिकार चाहिए और भारतीय जनता की मानसिकता क्या है, उसके लिए वो आया था। उस पर देखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर उनके समक्ष, साइमन कमीशन के समक्ष उपस्थित होते हैं, और उन्होंने कई मांग उनके रखी, विशेष करके उन्होंने जो समुदाय, पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय है उसको अधिकार की मांग किया, उसको सेना और पुलिस में भर्ती कराने का मांग रखा, और सामान्य निर्वाचन की बात तो कहा ही, यह तरह से बात करते हुए दिखाई देते हैं। और अम्बेडकर अपने जात के प्रति हमेशा उत्सुक रहे, उसको चेतना जगाने और उनके अधिकारों की मांग करने के लिए हमेशा सोचते हैं। लेकिन जब 1930 का दौर के बाद, जैसा हम जानते हैं कि 1930 के बाद जब नमक सत्याग्रह आंदोलन में बहुत से नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे और उन्होंने गोलमेज सम्मेलन का बायकॉट कर दिया था, तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर उपस्थित हुए। उसमें तीन जो है पिछड़े अनुसूचित जात के, जो दलित क्लास के तीन सदस्य सम्मिलित, श्री निवास आयंकर थे, डॉक्टर अम्बेडकर थे। अम्बेडकर ने बड़ा ही ओजपूर्ण भाषण उसमें दिया था और अपने अधिकारों की मांग किया था। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि हमारी जात का कैसे उत्कर्ष होगा,
उन्होंने ब्रिटिशर से या ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये प्रश्न रखा कि आपका 150 वर्षों का शासन हो गया है, इसमें भी हमको क्या सुधार हुआ है। इसमें न हम कुएं पे जा सकते हैं, न तालाब का पानी पी सकते हैं, न मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, न सेना में भर्ती हो सकते हैं, न कहीं जा सकते हैं, न सामाजिक असमानता कायम है और तमाम दरवाजे दलितों के लिए बंद है, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। लेकिन वो सबसे बड़ी मांग जो रखे, उन्होंने पृथक निर्वाचन की बात किया। वो मुस्लिम लीग और छोटे जो तबके थे वो जो पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे, उनके तर्ज पे ही डॉक्टर अम्बेडकर ने ऐसा बात मांग किया कि जो है वह भारत के लिए एक समस्या का विषय बन गया। और जब अंग्रेजों ने इस बात को मान लिया, खासकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन मंडल की बात मान लिया, तो डॉक्टर अंबेडकर उससे बड़े प्रसन्नचित होते हैं। लेकिन गांधी जी को इससे बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। गांधी जी जो कहे कि इस व्यवस्था को हम अपनी जान खोकर के भी इस व्यवस्था को खोने नहीं देंगे, और वह जो है यरोदा जेल में पुणे में वह अनशन पर बैठ गए। और इससे इस जो सांप्रदायिक नीति थी, जो सांप्रदायिक जो अवार्ड था, कम्युनल अवार्ड था, इससे दो बातें तीन बातें थी। पहली बात थी कि जो हिंदुओं से वह तबका, पिछड़ा तबका अलग हो जाता, मुस्लिम लीग को इसमें बड़ी सहायता मिल जाती, और तीसरी बात थी कि जो राजनीतिक आंदोलन चल रहा था उनके खिलाफ, जो उनके नाक में दम किया हुआ था, उससे छत बिछत करने का प्रयास था। लेकिन गांधी जी भी मानने वाले व्यक्ति नहीं थे और गांधी जी ने आमरण अनशन पर बैठ गए, और एक तरह से एक मसौदा मालवीय जी द्वारा और राजेंद्र प्रसाद द्वारा तैयार किया गया और अम्बेडकर गांधी में समझौता करने का प्रयास हुआ। और जो भारतीय जो व्यवस्थापिका सभा है उसमें पहले जो दलितों के लिए 48 सीटें आरक्षित थी, उसके स्थान पर उनको जो है 171 सीटें दी गई और यह मसौदा तय हुआ और समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। और गांधी जी विशेष करके इसके बाद दलितों की स्थिति सुधारने के लिए वह हरिजन पत्र का प्रकाशित करते हैं और हरिजनों की स्थिति पर बड़ा विस्तृत लेख लिखते हैं और उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाएगा, धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उनके बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनकी वैचारिकी में मतभेद रहता है, और डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐसे कोई बात बनने वाली नहीं है। और क्योंकि जो अरुणाश्रम व्यवस्था हमारे यहां थी उस पर घोर मतभेद गांधी जी से था, अंबेडकर कहते हैं जो हिंदू समाज का रवैया है, जैसा चला आया पुरातन समय से, वैसे दलितों की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक यह वर्णाश्रम व्यवस्था में जाति व्यवस्था को नष्ट नहीं किया जाता तब तक दलितों की स्थिति को सुधार नहीं हो सकता है, और जो वंशागत पुरोहित हैं उनका जब तक अंत नहीं किया जाएगा, और तब तक हमको समानता का सिद्धांत, क्योंकि हमारा विचार है कि ऐसी व्यवस्था चलती रही तो हमको अलग मंदिरों का निर्माण करना होगा, और इस व्यवस्था को तोड़े बिना जातिक समानता स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर सर्वधर्म संभाव का धर्म चाहते थे। वह ऊंच नीच की भावना नहीं चाहते थे, वह एकता, समानता, भारतीत्व की भावना चाहते थे, वह ऐसा धर्म चाहते थे जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हो। तो वर्णाश्रम व्यवस्था पे गांधी जी और अंबेडकर के वैचारिकी में घोर मतभेद होता हुआ दिखाई देता है, और वर्णाश्रम व्यवस्था पे दोनों की वैचारिकी में विभिन्न बहुत सा मैतक अंतर रहा। द्वितीय विश्व युद्ध इसी बीच छिड़ गया और कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को 1942 में वायसराय के कार्यकारिणी का श्रम सदस्य चुना गया, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर अस्पृश्य सदस्य, पहले ऐसे अस्पृश्य सदस्य जिनको यह अधिकार मिला था। डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत से कार्य करवाए और उन्होंने श्रम सदस्य के रूप में जो दलितों के उत्कर्ष और उनके जो लिए आरक्षण, उनके लिए ऐसी मांगे रखी कि वह मुख्यधारा में जुड़ सकें और उनको जो है अधिकार प्राप्त हो सके, ऐसा बहुत सा उनको प्रयास हुआ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इससे संतुष्ट नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी रचनाओं, अपनी खास करके अपने संपादन के माध्यम से इन विचारों को व्यक्त किया। उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु वेयर द शूद्रास, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी डन टू द अनटचेबल, पाकिस्तान आर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, कई ऐसी रचनाएं की जिसमें उनके विचार झलकते हैं। उन्होंने खास करके कांग्रेस और गांधी में अनिष्ठा व्यक्त करी, हालांकि वो कांग्रेस में थे लेकिन उन्होंने कांग्रेस की वैचारिकी से हमेशा मतबद्ध रखा, और उन्होंने अपना एक प्रखर और सचेष्ट मानववादी की तरह उन्होंने अपने विचार को हमेशा उठाया और कांग्रेस के मंच पे रखा, और गांधी जी से हमेशा वह अपने विचार बड़े उत्मुक्त कंठ से रखते थे और अपने अस्पष्टता के साथ रखते थे, और अपनी वैचारिकी की बात वो करते हुए दिखाई देते हैं। 1946 में डॉक्टर अम्बेडकर बंगाल विधान व्यवस्थापिका सभा की तरफ से मुस्लिम लीग की सहायता से वह सभा में चुन के आए, जिससे कि वह जो अधिकार दिलाना चाहते थे उसका अधिकार उन्हें प्राप्त हो सके, और इसी समय देश स्वतंत्र हो गया। और भारत की स्वतंत्रता के पश्चात
जो संविधान सभा बनी उसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर बनाए गए, और इससे बड़ा उनको अवसर नहीं था कि वह जो ऐसा संविधान में ऐसी व्यवस्था ऐसा नियम कानून करे कि जिससे दलितों का हित हो सके। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के कई सिद्धांतों को जो है इसमें संविधान में समाहित किया, और वो जो है संविधान सभा में एक उत्कृष्ट कार्य किए जिसे कि उनको भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने बहुत उपबंधों बहुत इसके संविधान की उन्होंने रचनाएं की और खास करके डिप्रेस क्लास के बहुत बड़ा काम किया। और इसके बाद वह नेहरू मंत्रिमंडल में जो विधि मंत्री बनाए गए, कानून से भी वह बहुत से सुधार कर सकते थे, लेकिन जो पुराने नियम कानून थे उसको सुधार करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर का नेहरू जी से मतभेद हुआ और उन्होंने इस पे इस्तीफा दे दिया और उसे अलग हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर अलग होकर के अब जो है एक तरह से भारतीय व्यवस्था में बने रहना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस से अपने को अलग कर लिया, और कांग्रेस से अलग करके विशेष करके डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित होने के दो कारण थे कि एक तो बौद्ध धर्म भारत में जन्मा था, दूसरे बौद्ध धर्म में समता का सिद्धांत था, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर अन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया। हालांकि अन्य धर्म सिख धर्म से भी उनकी बात हुई थी, अन्य धर्मों से भी बात किया था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर को बुद्ध धर्म में समानता नजर आई और बौद्ध धर्म की तरफ आकर्षित हुए। और 1949 में उन्होंने काठमांडू नेपाल में उन्होंने बौद्ध धर्म और मार्क्स पे एक बहुत ही ज्ञानपूर्ण भाषण दिया था, और उसके बाद वह सतत जो है बौद्ध वैचारिकी से लगे रहे और वह बौद्ध महासभा का भी गठन किया और बौद्ध धर्म के आसपास हमेशा उन्होंने ऐसी वैचारिकी उत्पन्न की और दलितों में बौद्ध धर्म समता अस्पृश्यता अनटचबिलिटी का काम उन्होंने किया। 1956 में डॉक्टर अम्बेडकर बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उनको नव बौद्ध की उपाधि काठमांडू में दी गई, और उसके पश्चात उन्होंने 2,00,000 दलितों के साथ जो है बौद्ध धर्म में प्रवेश किया और बौद्ध धर्म को ही अपना धर्म बना लिया। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर एक महान मानवतावादी थे, प्रमुख बुद्धिवादी थे। डॉक्टर अम्बेडकर दलितों के मसीहा, महामानव, सच्चे देशभक्त, और एक सबसे बड़ी बात वह सामाजिक न्याय के प्रणेता थे।